तो पता है कि आपके घरों में जो चीनी खाई जाती है वो आखिर बनाई किस तरीके से जाती है? कुछ लोग बोलते हैं कि चीनी हड्डियों से बनाई जाती है, लेकिन किसान के खेतों से गन्ना लाकर उसके रस को बड़ी बड़ी मशीनों में, शुगर मिल में बहुत सारी प्रोसेस से निकाला जाता है, तब कहीं जाकर चीनी बनती है। तो चलिए देखते हैं चीनी की पूरी मेकिंग। अभी हम आए हैं अयोध्या की सबसे बड़ी शुगर मिल में और यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं चीनी किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले किसान अपने खेतों से गन्ना काटकर ट्रॉली में भरकर शुगर मिल में लाता है और उसके बाद इन गन्नों का वजन किया जाता है। वजन करने के बाद ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन की सहायता से सारे के सारे गन्ने अनलोड किए जाएंगे। पहले ये सारा काम मैन्युअली किया जाता था और इस काम को करने में घंटों लग जाते थे, लेकिन मशीन की सहायता से ये काम मिनटों में हो जाता है और एक दो मिनट के अंदर ये सारी ट्रॉली खाली भी हो जाएगी। और इसी तरीके से सारी की सारी ट्रॉली का गन्ना इस कन्वेयर बेल्ट पर अनलोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से सारा गन्ना कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जाएगा कटिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाएगा बहुत बारीक तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कटिंग मशीन है, यहाँ से कट होने के बाद गन्ना इस हालात में बाहर निकल रहा है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाएगा इसका रस निकालने के लिए। गन्ने का रस निकालने का प्रोसेस शुगर मिल में भी वही होता है जो आपने स्ट्रीट वेंडर के पास देखा होगा, बस वहाँ पर पूरा गन्ना डाला जाता है, यहाँ पर कट करके डाला जाता है गन्ने को। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे गन्ने के रस की बारिश हो रही है यहाँ पर। जब कटा हुआ गन्ना इन बड़े बड़े रोलर्स के बीच से निकलता है तो दबकर प्रेशर से उसका रस निकल जाता है। ये आप रस निकलते हुए देख सकते हैं। अब ये जो रस हमारा निकला है इसके अंदर फिर से कटा हुआ गन्ना डाल दिया है। अब ये कटा हुआ गन्ना फिर से रोलर्स के बीच से निकाला जाएगा।